जय हिंद वंदे मातरम। स्वागत करुछी आपण मानकर प्रिय यूट्यूब ओडिशा स्टडी आईक्यू। तो आज आपण मानक आनी हिस्ट्री आनी देखो ए हिस्ट्री रे जो तीनोटी पार्ट अछि से तीनोटी पार्ट मध्य आज आम जानवा आनसेट आनसेट हिस्ट्री विषय आज आम जानवा। ओके से आनसेट हिस्ट्री विषय जानवा पूर्व फास्ट आम जानवा दरकार हिस्ट्रीटा कौन। ओके तो हिस्ट्री जदि आम देखा हिस्ट्री हूँ तुम स्टडी ऑफ बिगिनिंग ए ती वार्ड जदि आम देखा ए हिस्ट्री वार्डटा कौटी आसी ना ग्रीक वार्ड रु आसी से ग्रीक वार्ड कौन ना हिस्टोरिया कौन आम जानसे देख ये हिस्टोरिया 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 हुईज मीनस इनक्वारी जेटा को आम कहीपर कौन इनक्वारी आई एन क्यू यू आई आर वाई इनक्वारी आउ कौन कहीपर ना इनक्वारी बदल भी आहरी तुम कहीपर नॉलेज आक्वार्ड बाय इन्वेस्टिगेशन कौन कहली आइदर आपण माने कोई पारे इनक्वारी भी कोई पारे और नॉलेज आक्वार्ड मध्य कोई पारे तेणु आम जाणीगले हिस्ट्रीटा गोटे तुम देख हिस्ट्रीटा आसी कौटी ना तुम गोटे ग्रीक वार्ड रु आसी से ग्रीक वार्ड कौन कहली ना हिस्टोरिया कौन कहली हिस्टोरिया। ओके जहार माने हूँ कौन इनक्वारी जहार माने मु कौन कहली इनक्वारी और ताकु आमे कौन कही परिबा ना नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन एटा को आपण माने मन रखिबे। ओके देखो बर्तन आमे जानिबा फादर ऑफ हिस्ट्री देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन फादर ऑफ हिस्ट्री की ना हेरोडोटस ता माने तुमर इतिहास रो पिता होचंती हेरोडोटस तारे क्वेश्चन किभळि पडिबो ना हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री तेणु तार एनसर हो कौन हेरोडोटस। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंधी तुम पढ़ हि रोट ए बुक नेम हिस्टोरीज ताने से इतिहास नामक जो पुस्तक लिखी थे बुझे किए से तुम हेरोडोटस ताने तुम तो निश्चित भाव में तुम ये दुईट क्वेश्चन पाइल आहरी गोटे क्वेश्चन भी तुम पाइपर हुईज बुक इज कनसीडर्ड एज द फर्स्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल बुक ऑफ आनसेट इंडिया जदि ये क्वेश्चन पचारि थी ये कौन हम ना राज तरंगिनी तार उत्तर कौन हम राज तरंगिनी यटा को मन रखी राज तरंगिनी। ओके आम जाणीगले देख तीन क्वेश्चन आम जाणीगले फास्ट क्वेश्चन कौन ना फादर ऑफ हिस्ट्री किए ना हेरोडोटस से कौन बुक गोटे लिखी ना हिस्टोरीज। ओके ग्रीक वार्ड जो तुम आसी हिस्टोरी तो कौ वार्ड रु आसी ना हिस्टोरिया जहार माने कौन इनक्वारी और नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। ओके बर्तमान आहरी गोटे मुझे तुमको कौन कहली हुईज बुक इज कनसीडर्ड एज द फर्स्ट एक्चुअल हिस्टोरिकल बुक ऑफ आनसेट इंडिया ताने सीटा उत्तर कौन हम राज तरंगिनी। ओके एबे देखिबा तुमर देख ये प्री हिस्टोरिक पीरियड विषय बर्तमान आम जानवा। ओके देखो प्री अर्थ कौन प्री अर्थ प्रीवियस हिस्टोरिक पीरियड तो से विषय बर्तमान आम डिस्कसन करवा। देख ये कौन लिखाई देख ना दिस इज एन इरा इरा माने कौन युग है दिस इज एन इरा व्वेन ह्यूमेन लाइफ व्वाज नट सिविलइज एंड वी डू नट हाव रिटर्न अबाउट डॉक्यूमेंट इट दिस इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिक पीरियड जोटा कि देख ओडिया भी लिखी देखिए देख बुझापी तुम्हें देख ओडिया भी देख लिखी देख कौन ना यह एक युग जितेबले मानव जीवन सभ्य हो ना सभ्य हो ना मान बुझीपार आमर देख आमर यह विषय लिखित कौन सी दलिल भी ना तेणु यह आम कौन कह प्राचीन काल कह बुझिपाल प्री हिस्टोरी पीरियड देख ना यह एक युग जत मानव जीवन सभ्य हो ना एवं आमर यह विषय कौन सी लिखित दलिल नहीं आम कौन कह प्राचीन काल कह जाए जोटा कि इंग्राजी आम कौन कहे प्री हिस्टोरी पीरियड। ओके देखो इट इज डिवाइडेड ध्यान देखे बुझ इट इज डिवाइडेड थ्री पार्ट से तीनोटी पार्ट कौन मन रख देख पेलियोलिथिक मेसोलिथिक न्यूलोलिथिक पेलियो पेलियो माने आगे बुझो
पेलि अर्थ पी जेहेतु आसु प्रिभियस को भाविद प्रिभियस जेटा को आम कहीपर ओल्ड स्टोन एज से केतरु के देख ये आनन पीरियड टू 10,000 बुझिपाल बा 10,000 बीसी ये ध्यान देखिए टिके मन रखिब आनन माने कौन केबेटु आरंभ कराई से आम कहीपर ना किंतु केत पर्यंत जा 10,000 बीसी ये प्राय यहाँ सब बुझे कौन प्राय सेमती तो कहीं देखी ना 10,000 बीसी कौन कहीं कहपर ना बीसी अर्थ कौन बिफोर ख्रीस्ट ओके आसला मेष मेष मान मीट मेष मीट जापारा ताकु मन रखापी यहाँ हूँ सहज उपाय से कौन पेलियो पेलियो मान प्रिभस सोटा को पूर्वर जेटा नुहे कि ओल्ड स्टोन एज मान पुणा प्रस्तर जुग ताप आसगला देख मिड स्टोन एज जेटा मध्यम प्रस्तर जुग ताप देख ये आसे न्यू देखो निओलेथिक मान न्यू स्टोन एज आसगला न्यू स्टोन एज मान नूतन प्रस्तर जुग एटा को मन रखापी यही टाइप रुमें कौन कर कंपेयर करके पढ़ ओके देख ये मिड स्टोन एजटा के 10,000 बीसी रु 4,000 बीसी सेमती तुम न्यू स्टोन एजटा के 4,000 बीसी रु 2500 बीसी ये तो पूरा पूरी मन रहा आम कहीपर प्री हिस्टोरिक पीरियडटा के भाग में विभक्त कराई ना तीन भाग में विभक्त कराई कौन कौन ना गोटे तुम ओल्ड स्टोन एज आ गोटे मिड स्टोन एज बाटे तुम न्यू स्टोन एज आ से ओल्डटा को आम कौन कह पेलियोलिथिक पीरियड कह सेमती मिड स्टोन एजटा को कौन कह मेसोलिथिक पीरियड कह सेमती तुम न्यू स्टोन एजटा को आम कौन कह न्यूलोलिथिक पीरियड कह ओके बुझीगल एबे ता विषय बामर से ही पीरियड रे से ओल्ड स्टोन एज हो मिड हो तुम न्यू हो तो से ही एज रे से ओल्ड स्टोन एज रे कौन कौन सब घटी कौन कौन सब उद्भावन होता से विषय बर्तमान आम जाना देख ये मुझे कौन लिखी देख ना पुणा प्रस्तर जुगरे अग्नि उद्भावन होता दि फायर वाज इनभेन्टेड इन ओल्ड स्टोन एज ये गोटे पॉइंट तुम देख इम्पोर्टाट क्वेश्चन आसगला फायरटा जदि आम देखा ये तीनो एज मध्य कौ एज्रे तुम उद्भावन होता तो आम कहीपर ओल्ड स्टोन एज देख नेक्स्ट देख दे कौन ना पुणा प्रस्तर जुगरे शिकार जीवन मुख्य उत्सव था जेटा को आम कहे हंटिंग ये हंटिंग कथा कहचे यहाँ हूँ हंटिंग वाज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन ओल्ड स्टोन एज ताने से तुम देख ये पुणा प्रस्तर जुगरे तुम हंटिंग शिकार करवा से बड़े शिकार करके कौन करते ना जीवन जापन करुले बुझिपाल तापरे देख नेक्स्ट देख ह्विल ह्विल कथा जी आम जी ह्विल अर्थ कौन चक्का है तो चक जो आम जो कहचे से चक कौ जुगर आविष्कृत होता ना नूतन प्रस्तर जुगरे आविष्कृत होता आम इंग्राजी कहींपर कौन ना दि ह्विल वाज डिस्कवर्ड इन न्यू ओल्ड सॉरी न्यू स्टोन एज बुझीगल तापर देख पुणी फेर देख आ गोटे क्वेश्चन आसगला देख ये बढ़िया देख यही पॉइंट गुड़ाक खाली टी कौन थे दिथर पढ़ीदेला मान निश्चित रूपे तुम मन रही ओके देख ये ह्यूमेन्स लैंड हाउस कंस्ट्रक्शन ह्यूमेन्स लैंड हाउस कंस्ट्रक्शन इन न्यू स्टोन एज जेटा कि आम कहीपर मनीष मैने नूतन प्रस्तर जुगरे गृह निर्माण शिखिले ताने न्यू स्टोन एज रे ताने से ही जुगरे कौन है ना तुम ह्यूमेन माने मनीष माने नूतन कौन नूतन जान लैंड हाउस कंस्ट्रक्शन माने कौन गृह निर्माण शिखिगले क्लीयर पूरा सेमती फ्रेमिंग वाज इनभेन्टेड इन न्यू स्टोन एज अर्थात नूतन प्रस्तर जुगे फ्रामिंग है ये फ्रामिंग कथा कहि केबे उद्भवन होता ना तुम से न्यू स्टोन एज रे उद्भवन होता बुझिपाल क्लीयर बुझीगल मु आशा करछि निश्चित रूपे तुम्हें आमर एगुड़िक बुझी पारुथुबो देख आउ कौन देखिबा देख 8 नंबर कौन देख पॉइंट गुटे अछि देख दि फास्ट पेट ऑफ ह्यूमन्स वाज डॉग देख एटी मनीषर प्रथम गृहपालित पशु किए कुकुर एटा को केबे भूलिबो नाही मनीषर प्रथम गृहपालित पशु होची कुकुर द फास्ट पेट ऑफ ह्यूमन्स वाज डॉग सेमिति देखो द फास्ट मेटल
यूज्ड बाय ह्यूमेन्स वाज कॉपर जोटा कि आम कौचे कौन तंबा ताने मनीष द्वारा व्यवहृत प्रथम धातु हूँ कौन तंबा द फास्ट टूल यूज्ड बाय ह्यूमेन्स वाज एक्स मनीष द्वारा व्यवहृत प्रथम उपकरण कौन कुरहाड़ी एटा केबे भूलिबो नाही कुरहाड़ी तो जानिछ ओके सही कुरहाड़ी नुहे ताने फास्ट टूल यूज्ड बाय ह्यूमेन्स वाज एक्स द फास्ट एविडेन्स ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड इन मेहरगढ़ एटा को मन रखिबो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कृषि रो प्रथम प्रमाण कौन ना मेहरगढ़ रे मिलिथिला बुझिपाल कृषि प्रथम प्रमाण कौटी मिलता ना मेहरगढ़ ठारे मिलता द फास्ट यूज ऑफ टर्म भारत वर्ष इज फाउंड इन द हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन अर्थात आम कहीपर भारत वर्ष शब्दर प्रथम व्यवहार क्यों थे लेखार मिलता ना हाथी गुंफा लेखार मिलता ओके द फास्ट क्रॉप ग्रोन बाय ह्यूमन वाज व्हीट एंड बार्ली जोटा कि आम कहीपर देख ये गहम आउ कौन कहीपर बाहर गहम आउ कौन कह बार्ली तो मुझे आशा कर निश्चित भाव आपण मैने बुझीपे देख बर्तन आम जाना देख ये तो आम जाणीगले से जो तीनो एस विषय जहाँ जहाँ तुम जी इम्पोर्टां से गुड़ी तो आम जाणीगले डिस्कसन कले एबे जानिबा दि वेद जोटा कि तुम्हार इम्पोर्टाट देख वेद कौन आगे बुझा दरकार जोटा कि आम कहीपर एटा को मोस्ट आनसेड ग्रंथ्स आर वेदस द मोस्ट आनसेड ग्रंथ्स आर वेद इट्स मीनिंग इज नॉलेज इट्स मीन तो आगे बुझा दरकार मानेटा कौन आर मानेटा हूँ नॉलेज नॉलेज माने ज्ञान तेनाली जानीगले सबुठ प्राचीन ग्रंथ हूँ कौन वेद यटा के भूल ना यार अर्थ कौन ज्ञान ते वेद केते प्रकार देख तार चारोटी मुख्य रही नुह कि सी चारि प्रकार अच्छी ताकू तुम एमती भी कहीपर दे आर आर फोर मेन वेद कौन कौन ना ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद आउ लास्ट दाउची अथर्व वेद मन रहा रुख जजुर साम अथर रुख जजुर साम अथर ताकु इंग्रजी रे कौन कहिबो ना रिग कहिबो रिग जजुर साम एंड अथर बुझी गलो तेणु फास्ट आम जानिबा कौन रिग वेद कौन से विषय किछि जानिबा जोटा कि आम इम्पोर्टाट देख सबुठारु जदि ऋग वेदटा को देखिबा ये ओल्डेस्ट वेद ताने आमे कोई परिबा ऋग वेदटा सबुठारु ओल्डेस्ट वेद आ तार दसटी मंडल अछि आउ तुमरो हजार अठाईटी कौन अछि भजन अछि कौन अछि भजन अछि आउ तुमरो दस हजार चारिशह बासठी कौन अछि पद अछि बास एति कथा ऋग वेद विषय जान आउ टिके किछि जानिबा ताने प्रथम कथा जानिले ऋग वेद कौन ना ऋग वेदटा हूँ सबुठारु पुराणा वेद तार दस टी मंडल अच्छी हजार अठाईटी भजन अच्छी आउ दस हजार चार सौ बासठी तुम पद अच्छी ओके देख आउ ऋग्वेद कौन अच्छी देख तार पांचटी शाखा अच्छी केतोटी शाखा अच्छी पांचटी शाखा अच्छी आदि आम देखा तुम भगवान सोम यही तुम नवम मंडल बुझिपाल तार जो दस टी मंडल अच्छी से नवम मंडल क्या देख ये मेनसन कराई ना तुम सम गड सम को मेनसन कराई उल्लेख कराई आउ देख पचिशटी रिभार मध्य वेद कौन कराई वर्णित कराई बुझिपाल ना दे आर देख ये कौन लिखिली ना दे आर आर ट्वेंटी फाइव रिभार्स मेनसन इन ऋग वेद ओके विश्वामित्र कथा जाच विश्वामित्र जड़े कौन ऋषि देखो वाज द क्रिएटर ऑफ गायत्री मंत्र व्हिच मेंशन इन थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद तन एई ऋग्वेद रे तुमरो तृतीय मंडल रे तुमरो गायत्री मंत्र कथा लेखा जाइछ नै कि सेला किए क्रिएटर एठी ना विश्वामित्र गायत्री मंत्र रो सृष्टिकर्ता
जहाँ ऋग्वेदर तृतीय मंडल उल्लेख करा जाई आ गायत्री मंत्र इज मेंशन इन ऋग्वेद एंड इट इज डेडिकेटेड टू सावित्री। गायत्री मंत्र ऋग्वेद रे उल्लेख कराई सावित्री को पाई उत्सर्गत बुझीगल। देखो नेक्स्ट देखो बर्तमान आम जानवा देख ये तुम आउ कौन रही देख ये ना ऋग्वेदर ना सप्तम मंडल राजा सुदासा सुदास वो अन्य दस जन राजा युद्ध विषय उल्लेख कराई आनर किए थे ना से ही राजा सुदासा युद्ध क्षेत्र कौटी कौ चारिपाखे ना तुम रवि नदी चारिपाखे जोड़ा कि एवं रवि नदी पूर्वर थी कौन पार्शनी नदी बुझीगल। एपे जानवा यजुर्वेद बर्तमान कौन जानवा ना यजुर्वेद हूँ तुम देख ये दिस् वेद इज रिटर्न बोथ पोएट्री एंड प्रोज जोटा कि आम कहीपर उभय कविता और गद्य फर्माट्रे लिखा जा कविता और गद्य फर्माट्रे तेणु इट हेज टू पार्टस गोटे कृष्ण यजुर्वेद आ गए शुक्ल यजुर्वेद। ओके देख बर्तमान आम जानवा सामवेद विषय किसी जानवा देख ये भी संक्षेप जीक आम आवश्यक है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन केवल आम जानवा अलग किसी जानवा दरकार ना। देख दिस् वेद टेल्स अस अबाउट म्यूजिक केवल गोटे वार्ड शिख कौन म्यूजिक ताने साम वेदरे तुम्हें जो म्यूजिक कथा कौज बा संगीत कथा कौज ए संगीत विषय कही था बुझिपाल ताने एही वेद आमको संगीत विषय कही था आउ कौन दे इट इज अल्सो कनसीडर्ड एज द फादर अफ इंडियान म्यूजिक आम जो इंडियान म्यूजिक रो फादर जदि आम देखा ताहले तुमर यह भारतीय संगीतर पिता मध्य विवेचना करा जाए एथिरे समुदाय केतरी पद अच्छी ना 1549 पद अच्छी आ केतोटी नूतन जदि आम देखा 15 देख 1549 मध्य 78 तुम नूतन आउ बाकी गुड़िक ऋग्वेद रु नि क्लीयर पूरा। देख अथर्वेद अथर्वेदा भी बहुत सीमती देख सहज देख ये हूँ तुम लास्ट नुक अथर्वेद दिस् देख दिस् वेद व्वाज रिटर्न इन द लास्ट दिस् इज अल्सो कल्ड मडर्ण वेद आउ कौन कहींपर देख वेस्क्राफ्ट अकल्ड आर्ट्स मेडिसिन मैरेज लव आर मेनसन इन इट ता माने आम देखीद यही वेद शेष लिखा जा देख यहाँ यही वेदटा कौन शेष लिखा जाता यह आधुनिक वेद क्या ध्यान देखिए बुझ जदि आधुनिक वेद जदि कथा दीटा तुम अथर्व वेद आउ यह कौन कौन देख दर्शा जाए ना जादुगरी जादुगरी मान तंत्र मंत्र कर साधन कर ता विषय भी ये वेद लिखा जा ज्योतिष शास्त्र यही अथर्वेद मेनसन कराई औषधीय कथा यही से अथर्वेद विवाह प्रेम विषय उल्लेख करा जाई तेणु तुम इम्पोर्टेंट जदि देखा ये अथर्वेद बेस आसूस नुह कि मॉडर्न युगर जो सडन कथा बाहर सब तान अथर्वेद ही मिलूँ। देख अथर्वेद आउ कौन जानवा देख ये ना ये 9 शाखा अच्छी लेखाई ना देख ये दे आर आर 9 ब्रांचेस ऑफ अथर्वेद कौन कौन देख ये अच्छी ना पाइपालाडा एवं आउ कौन देखी साउन नायिका अधिक लोकप्रिय यह ब्रह्मा वेद मध्य कहती तो लिखा पाइपालाडा एंड देख साउन किया आर मोर पॉपुलर दिस इज अल्सो कॉल्ड ब्राह्म वेद दिस वेद टेल्स अस दैट सभा एंड समिति आर टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति ता नाम कही पार सभा और समिति प्रजापति दुई झील आउ लास्ट देखो अथर वेद विषय आउ कौन जानवा ना दे आर 6 वेदगत अच्छी कौन कौन जानवा देख ना गोटे शिक्षा ज्योतिष वाक्यरण कल्पसूत्र निरुक्त आउ गोटे कौन छंद देख ये शिक्षा को इंग्लिश रे कौन कहते इंग्राजी एजुकेशन ज्योतिष को एस्ट्रोनॉमी देख सेमती आम व्याकरण को ग्रामर सेमती तुम कल्पसूत्र को कौन कह रिटुआल्स तापर देख ये कौन दे टाइमोलॉजी जोटा कि निरुक्त बोली कौ छंदा को आम कौन कौचे भर्स बोली कौचे
ओडिया भी देख लिखिदेसी शिक्षा गणित ज्योतिष व्याकरण कर्मकर्माणी बा विधि शब्द प्रकरण आउ गोटे कौन कहली जोटा कि तुम्हें कौ छंद कौन कह पद्यांश बोली कहवा ओके तान ये है तुम अथर्व विषय तेणु आज आम डिस्कसन कले देख ये आनसेट हिस्ट्री देख फास्ट पार्ट रु आम जान लें कौन आनसेट हिस्ट्री कौन विषय कौन कौन सब रही आउ तुम प्री हिस्ट्री कथा जाणीगले केते प्रकार जाणीगले आउ वेद विषय जानले केतोटी वेद अच्छी आउ से वेदर कौन कौन सब मेनसन हो विषय बर्तमान जाणीले आउ आ नेक्स्ट आम जो भिड आनवापर तुम जहाँ जहाँ जो सब इम्पोर्टाट तुम रही जेटा को आम कही पार एग्जाम ओरिएंटेड से विषय में तुमको डिस्कशन करमी तेणु आपन को जदि ये भिडियो भल लगुच तो निश्चित रूपे आपण मैने चैनल टी सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी दबे ओके थैंक यू।